वीडियो शुरू करने से पहले मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, आई लव यू ऑल। सो आज मैं लेकर आई हूँ ना आप लोगों के लिए स्नोमैन की रेसिपी। स्नोमैन की रेसिपी मतलब क्या, एक स्वीट डिश है ये। इसको मैंने बनाया स्नोमैन के शेप में। आप इसको क्रिसमस पे बना सकते हो। आज है क्रिसमस। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आप इसे रात में बना सकते हो। और बहुत ही इजी, एकदम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ना ये बन जाएंगे। बस 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं और उससे ये बन के तैयार हो जाएंगे। और इतना क्यूट क्यूट सा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं इसको खाऊं। और आप ना वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो पहले ना आप इंग्रेडिएंट्स देख लो क्या क्या यूज़ हुए। तो यहाँ पर मैंने सांता अंकल को खड़ा कर दिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स ना यहाँ पर रख दिए हैं। आगे वीडियो में सारा सारा डिटेल में आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या लिए। सो आप ले लो एक पैन, यहाँ पर 1 कप मिल्क डाल दो, 1 कप मिल्क डाल दो, बस इतना सा। फिर यहाँ पर है मिल्क पाउडर, 1 पैकेट मैं ले रही हूँ अभी। अमूल का मिल्क पाउडर था ये, अभी इतना डाल दिया। आगे देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और बस 2 टेबल स्पून यहाँ पर है सूजी, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको चलाओ, थोड़ा ध्यान देते देते हमको देखना है। मैं पहली बार ऐसा ट्राई कर रही हूँ रेसिपी, तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। फिर यहाँ पर आप पाउडर्ड शुगर डाल दो, पिसी हुई चीनी, बस 1 टेबल स्पून। मीठा मुझे बहुत कम पसंद है इसलिए मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ चीनी, आपको जितना अच्छा लगे। फिर ना मुझे लग रहा था कि अभी ये थिक नहीं हो पाएगा तो मैंने 1 पैकेट और यूज़ कर लिया, तो आप भी कर लेना। 1 कप के लिए 2 पैकेट हमने लिया है, तो 2 पैकेट ले लेना। और ये ना नारियल है बिल्कुल ऐसा चूरा चूरा सा, तो आप ये डाल देना। नारियल आपको मिल जाएगा ईजिली मार्केट में। फिर आप देखोगे कुछ टाइम बाद, 10 मिनट या फिर 5 मिनट के बाद आपको लगेगा कि ये जो है ना अपने सरफेस से अब ऐसा निकल रहा है, तो मतलब ये पक चुका है, ये अच्छे से रेडी हो चुका है। आप फ्लेम को बंद कर दो, फिर थोड़ी देर बाद आप देखो पूरा सा इस तरीके से हो जाएगा, सरफेस से पूरा आप हटा सकते हो इसको, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा। तो बन के तैयार है। आप इसके ना ऐसे हाथ में थोड़ा सा घी लगा के ना ऐसे गोल 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 कर लो। तो मैंने साइड में लेकर आई, तो 3 बड़े बड़े गोले बनाने हैं आपको, 3 बड़े बड़े लड्डू बनाओ और 3 छोटे छोटे। तो ये स्नोमैन का नीचे वाला पार्ट हो गया, तो इसको ना ऐसे ये कोकोनट्स से ऐसे से कोटिंग कर दो खूब अच्छे से। और छोटा वाला मुंह बनाना है हमें, तो इसको भी गोल गोल करके तुरंत फटाफट चिपका दो। गरम गरम चिपकाओगे ना तो ज़्यादा अच्छे से चिपकेगा, ठंडे होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होगा। और आँखें बनाई है मैंने, मैं आगे बताती हूँ कि आँखें कैसे बनाई है मैंने। और यहाँ पर ना मैं नोज़ बनाया, तो थोड़े से सूजी उसमें बचे हुए थे ना, मैंने उसमें फूड कलर डाल दिया, ऑरेंज वाला, आपके पास जिस कलर का वो डालो। फिर इसको ना ऐसे करके थोड़ा चिपटा करके, आप मेरा देखो हाथ देखो, दिख भी नहीं रहा है, बट ऐसे करके फिर एकदम गरम गरम ही ना लगा दिया कि जिससे ये तुरंत फट से चिपक जाए। नहीं चिपकता थोड़ा सा तो मिल्क लगा लो। और यहाँ लौंग ली थी मैंने, क्लोव्स ली थी, उससे मैंने आईज़ और इसका बटन अटन बना दिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो कुछ बड़ा मैं इस पर लगा नहीं सकती थी, तो इसके लिए ना मैंने यूज़ कर लिया। फिर मैंने मैच स्टिक को तोड़ा, फिर जो सूजी बचे हुए थे उससे हाथ बना लिया मैंने। आप किसी भी चीज़ से बनाओ, आपको जो लगता है कि हाँ आप यहाँ लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो। जब खाना हो तो आप ये निकाल लेना, फिर निकालने के बाद खाए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और कोकोनट, ऊपर से थोड़ा सा स्नो वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। और देखो सांता अंकल तो लेट गए यहाँ पर, बस फिर ये बन जाते हैं। और टोपी को भी वैसे ही बना लिया था बिल्कुल हाथ से गोल गोल करके, उसी सेम चीज़ से सूजी से फूड कलर डाल के। सो आप भी बना लेना, आज है क्रिसमस, आज ही बनाओ। और इस रेसिपी को ना जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके ना उतना शेयर करो। और मैं ये ट्राई कर रही थी लिखने वाला, बट ये अच्छा नहीं हो पाया। मैंने किसान जैम से किया था, बट ये इतना अच्छा हो नहीं पाया, बट इट्स ओके। आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कर दो। लव यू ऑल, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। अच्छा 1 मिनट रुको, जाने से पहले मुझे इतना तो बता दो आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर कर देना। थैंक यू, बाय।